देश में बढ़ रहे आत्महत्याओं के मामलों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए महाराष्ट्र से 5000 किलोमीटर तक का सफर तय करने निकले मुकेश पाटिल राजधानी शिमला पहुंचे, जहां अभी तक उन्होंने 1665 किलोमीटर तक का सफर तय कर लिया है। लगातार 23 दिन से वह सफर कर रहे हैं और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याओं को लेकर जागरूक कर रहे हैं। अपने 5000 किलोमीटर का सफर तय करने निकले मुकेश पाटिल शिमला के बाद मनाली, लेह, लद्दाख, श्रीनगर, पठानकोट, जम्मू, लुधियाना, राजस्थान, बीकानेर, जयपुर होते हुए जोधपुर, उदयपुर, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत तक का सफर तय करेंगे। मुकेश पाटिल ने बताया कि वह मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं और वह महाराष्ट्र के डोडा ईचा गाँव जिला के एक छोटे से गाँव झूला के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वह लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 5000 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में लोग अभी तक साइकोलॉजिकल जागरूक नहीं हैं। ऐसे में लोगों को सही ढंग से जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को जागरूक करने के लिए वह इस सफर में निकले हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें यह प्रेरणा तब मिली जब 2 साल पहले उनके चाचा की लड़की ने घर में आत्महत्या कर ली थी, जो कि उनकी ही उम्र की थी। ऐसे में जब वह डेड बॉडी को उतारने लगे तो उन्हें काफी शॉक लगा, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में चले गए थे और इलाज के लिए गांव मेंटल हेल्थ के लिए किसी भी तरह का उपचार नहीं था। ऐसे में उनके एक मित्र ने उन्हें साइकोलॉजिस्ट रेफर किया, जिसके बाद वह 3 महीने में ठीक हो गए और उसके बाद उन्होंने यह सोचा कि वह लोगों को मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याओं को लेकर जागरूक करेंगे। जी, मेरा नाम उमेश पाटिल है, मैं एक मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट हूँ। मैं डोंडाईचा धुले जिला महाराष्ट्र एक छोटे से गांव से आता हूँ और मैंने अपनी अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है 5000 किलोमीटर वॉक, जिसमें मैं मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन, इसके बारे में छोटे गांव, छोटे टाउन्स और सिटीज, इनमें अलग अलग भारत के सेंट्रल, नॉर्थ एंड वेस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें जाकर ये अवेयरनेस कैंपेन करना चाहता हूँ। जो बढ़ती सुसाइड्स है, बढ़ते जो टैबू है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, लोगों को एक प्रॉपर साइको एजुकेशन है नहीं कि किस समय किसके पास जाकर आपने मेंटल हेल्थ काउंसलिंग का, किसके पास जाकर आपने आपके मेंटल हेल्थ के लिए बात करनी चाहिए या हेल्प लेनी चाहिए। तो लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर अवेयरनेस करने के लिए मैं चल रहा हूँ। तो मैंने अभी आज मेरा 23rd डे है, मैंने 1665 किलोमीटर का अभी तक रिकॉर्ड यहाँ तक मैंने बनाया है। आगे मुझे अब मनाली, लेह, लद्दाख, श्रीनगर, पठानकोट, जम्मू, लुधियाना, फिर राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, फिर गुजरात में अहमदाबाद से सूरत तक लेकर फिर मुंबई, पुणे, नासिक अंदर मैं होम टाउन। ये मेरा 23rd डे है। कहाँ से? तो प्रेरणा एक्चुअली एक मेरे साथ घटना हुई थी 2 साल पहले, जब मैं अपने गांव था तो मेरे जो बड़े चाचा जी की लड़की है, जो मेरी सिस्टर है, उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली थी। तो जब उन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया था तो उनकी डेड बॉडी जब हमने उतारी तो शी इज़ ऑफ माई एज, तो एक ही एज के होने की वजह से, बहुत साल साथ में रहने की वजह से, मुझे एक पर्टिकुलर उनकी बॉडी उतारने के वक्त शॉक लगा एंड वो शॉक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आई एम स्टार्टेड गेटिंग सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। बट फॉर और गाँव में मेरे पास मेंटल हेल्थ केयर की कोई जगह नहीं थी या कोई प्रॉपर मुझे असेस नहीं मिल रहा था। बट फाइनली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक साइकोलॉजिस्ट को रेफर किया, देन आई गॉट इन कनेक्ट विद द साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने मुझे 3 महीने मेरे सेशंस लिए और तब जाकर देन आई कम बैक इन माई नॉर्मल स्टेट, और तब से फिर मैंने अपने मेंटल हेल्थ और इंडिया की जो सिचुएशन है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, क्या क्या पॉलिसीज है, कितना बड़ा ये इशू है और कितने बड़े सुसाइड एक इशू बनते जा रहा है, उसके बारे में रिसर्च एंड स्टडीज मैंने स्टार्ट की। और फिर मैंने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, बात करो, विच इज़ एन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। आज हमारा मोटिव वही है, विजन वही है कि सबको अफोर्डेबल, असेसिबल और एक ही लैंग्वेज में, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, उसमें काउंसलिंग सेशंस मिल पाए, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की जान बचा पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही समय पर मेंटल हेल्थ केयर पहुँच पाए। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।